हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका एंड बीएड सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था लेसन प्लान बनाना, वो था हमारा एसएसटी का, बट जो आज मैं आपको बताऊंगी वो है इंग्लिश वाला। सो स्टूडेंट, हेयर आई बिगिन। देखिए, इंग्लिश का जो मेरा लेसन प्लान है वो मैंने प्रोज पे बनाया है। अपनी एक स्टोरी है, मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो जैसा कि होता है, स्टार्टिंग से बेस्ड होता है जनरल ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं, ठीक है। जनरल तो सबके लिए सेम ही है, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके। स्पेसिफिक में ये होता है कि अगर आप प्रोज में बना रहे हैं, या फिर कोई कॉम्प्रिहेंशन हो गया, या फिर कोई पोएट्री है, या हमारा ग्रामर का कोई टॉपिक है, तो इन सब का क्या करना है आपको, अलग अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आफ्टर दैट आता है मटीरियल एड्स। मटीरियल एड्स जो भी आप टीचिंग एड्स, कोई भी मटीरियल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो आप सब इसमें नोट डाउन करेंगे। फिर है प्रीवियस नॉलेज, मतलब कि स्टूडेंट के पास जो भी प्रीवियस नॉलेज होगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वही, जैसा कि आपको पता है, जब हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करने जाते हैं तो उससे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन लेना होता है। मतलब कि बच्चों से क्या करना होता है, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, फ्यू क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे, जैसे कि फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो द स्टूडेंट विल आंसर कि वी गॉट फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम शॉप्स और फ्रॉम ट्रीज, प्लांट्स एट्सेट्रा। सो ऐसे ही हमें zigzag बना के क्वेश्चंस का आंसर लेना है बच्चों से। एंड आफ्टर दैट एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है, जो लास्ट होता है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट जो होता है वो डिसाइड होता है कि स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द स्टोरी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। सो ऑन दैट टाइम स्टूडेंट विल लिसन इट केयरफुली, ठीक है। यू हैव टू सी, यू हैव टू वॉच दैट स्टूडेंट आर लिसनिंग और नॉट। नेक्स्ट आता है आपका मॉडल रीडिंग। अब जब आपने स्टेटमेंट क्लियर कर दिया है, उसके बाद आप अपना क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, मॉडल रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये क्यों की जाती है, टू मेक इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट फॉर द लेसन। अगर आप पढ़ा के उन्हें एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो वो उन्हें पता ही नहीं चलेगा चैप्टर है क्या, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक मैथड इसमें यूज़ किया गया है, जिसमें आपका क्या है, टेक्स्ट बुक जो हमारी, जो जिस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं उसकी जो बुक है, उस बुक से हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो पीपल टीचर विल रीड द पैसेज विद लाउड एंड करेक्ट प्रोनंसिएशन एंड इनोटेशन। सो वी हैव टू रीड द चैप्टर, रीड द पर्टिकुलर पैसेज, ठीक है, विद प्रोनाउंस एंड वी हैव टू प्रोनाउंस इट वेरी क्लियरली सो दैट द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। और ऑन दैट टाइम ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास विल लिसन इट केयरफुली एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद क्या होगा, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इमिटेशन रीडिंग करवाएंगे। मतलब कि बच्चों से कुछ टॉपिक को हम रिपीट करवाएंगे, वो बच्चे क्या करेंगे उस टॉपिक को रीड करेंगे। द पीपल टीचर, मतलब कि द टीचर विल आस्क सम स्टूडेंट टू रीड फ्यू लाइन्स एट अ टाइम फ्रॉम द पैसेज। कुछ फ्यू लाइन्स उन्हें बोला जाएगा, टीचर उन्हें ऑर्डर देगी, या जो भी उन्हें बोलेगी कि यू हैव टू रीड दिस लाइन्स, उन्हें खड़ा करके उनसे उस चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ लाइन्स रीड करने को बोलेगी। तो स्टूडेंट विल रीड द फ्यू लाइन्स ऑफ द लेसन एट अ टाइम, ठीक है। तो फिर आता है नेक्स्ट, आपका आता है ओरल ड्रिल। अब ओरल ड्रिल में क्या है, आपको उनकी वोकैबुलरी को सही करना है, उनकी वोकैबुलरी को एनरिच करना है, उसके बेसिस में कि बच्चे अपना प्रोनंसिएशन भी ठीक कर सके। तो द पीपल टीचर विल राइट सम वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड ऑल्सो प्रोनाउंस दैम। शी विल ऑल्सो आस्क फ्यू स्टूडेंट टू प्रोनाउंस द वर्ड्स वन बाई वन। अब जो टीचर जहाँ पे वो टीच करने जा रही है, तो वो क्या करेगी, ओरल ड्रिल के टाइम पे बच्चों को कहेगी कि जो वर्ड्स लिखे हैं वन बाय वन उसे प्रोनाउंस करेगी, और बच्चों से कहेगी कि आप भी इसको इमिटेट कीजिए, जैसे कि ये वर्ड्स हमने ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं पोलाइटली। अब पोलाइटली आपने लिखा, उसका आपने मीनिंग नहीं लिखना है, उसके आपने हिंदी में उसको कैसे प्रोनाउंस किया है कि बच्चे जब उसको बोलें तो उनको हेल्प मिल जाए, वो हिंदी को देख के क्या करें, उसे रीड आउट कर सकें। तो आप ओरल ड्रिल में ये सब करेंगे। फिर उसके बाद आता है एक्सपोजिशन वर्क। अब एक्सपोजिशन में आप क्या करेंगे, वर्ड लिखेंगे और उसके उस
उसके मीनिंग्स को बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, चाहे आप उसको अलग अलग डिवाइसेस के साथ भी कर सकते हैं एक्सप्लेन, जैसे कि अगर आप एंटोनिम्स लिख रहे हैं या फिर सेंटेंस के बेसिस में उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स हो गए, जैसे फ्यूरियस है, अब फ्यूरियस आपने लिखा है तो एक्सपोजिशन वर्क में आपको क्या करना है, फ्यूरियस का मीनिंग आपने लिख लिया है तो ये एंटोनियस डिवाइस हमने यूज़ किया है. अगर हम सेंटेंस यूज़ करते तो कुछ सेंटेंस उन्हें बोल दिया जाता, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ड यूज़ कर लेते जिससे वो उन्हें समझ में आ जाए कि इसका मीनिंग होता है बहुत क्रुद्ध. फ्यूरियस मतलब बहुत क्रुद्ध. डिलेमा हो गया, असमंजस होती है, तो वो कुछ वर्ड बता देंगे कि उसको इस वर्ड को उस सेंटेंस में यूज़ करके दिखाना है. एक्सपोजिशन वर्क के बाद आता है आपका साइलेंट रीडिंग. इसके आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं कि साइलेंटली कोई चीज़ को रीड आउट करना, टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड साइलेंटली. अब जो टीचर होगी, द पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट टू ऑल द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली. जो पीपल टीचर है वो क्या करेगी, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देगी कि स्टूडेंट रीड दिस पैसेज साइलेंटली. And she will take a round of classroom to see whether the student are reading or concentrating. क्योंकि क्या होता है, बच्चों को टीचर इंस्ट्रक्ट कर देती है कि यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, बट बच्चे क्या होते हैं, बातों में लग जाते हैं या अपने क्लासमेट से मर्मरिंग साउंड में बातें करने लग जाते हैं. लेकिन अगर टीचर एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पर दिखाएगी, वो वहाँ पर क्लासरूम का चक्कर अगर लगाती है, बच्चों को क्या होगा, एक डर रहेगा कि मैम आने वाली है या मैम चक्कर लगा रही है, तो वी हैव टू डू अवर सेल्फ स्टडी. तो स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट एनी लिप मूवमेंट एंड मर्मरिंग साउंड. तो साइलेंट रीडिंग है तो उसमें मर्मरिंग साउंड आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइलेंटली पढ़ना है तो बच्चों को क्या है, मर्मरिंग साउंड भी नहीं आना चाहिए, वो साइलेंटली पढ़ेंगे. और इसमें मेथड जो यूज़ किया गया है वो है टेक्स्ट बुक मेथड, क्योंकि बच्चे कोई भी टॉपिक या कोई भी पैसेज या स्टोरी पढ़ेंगे तो वो कहाँ से पढ़ेंगे, बुक से ही तो पढ़ेंगे. तो जो हमारा मेथड यूज़ किया गया है वो है टेक्स्ट बुक मेथड. नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. अब देखिए ये चैप्टर पढ़ लिया इन्होंने, लेकिन अब टीचर को क्या करना है, इवेलुएट करना है बच्चों ने पढ़ा भी है या नहीं. तो उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे टू चेक वेदर द स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड द लेसन और नॉट. फिर पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन, टू और थ्री क्वेश्चन पूछ लीजिए आप. तो हमने इसमें क्वेश्चन, जैसे मेरी जो टॉपिक है, मतलब जो मैंने स्टोरी पढ़ाई है वो है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. तो व्हाट डिड द मंकी गिव द क्रोकोडाइल टू ईट. ये क्वेश्चन अगर टीचर करती है तो स्टूडेंट विल रिप्लाई द मंकी गेव द क्रोकोडाइल फ्रूट्स टू ईट. तो इसमें मेथड आपको पता चल ही गया होगा, क्वेश्चन आंसर मेथड है. नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन मैंने इसमें और पूछा है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांट टू ईट. क्रोकोडाइल की वाइफ क्या चाहती थी खाना. तो The student will reply, the crocodile's wife want to eat monkey's heart. अगर उन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से सुना होगा, तो वो आंसर कर देंगे. नेक्स्ट आता है रिटन एंड सुपरविजन वर्क. रिटन एंड सुपरविजन वर्क में क्या है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप और रिकॉल द राइटिंग स्किल. ठीक है, अब उनकी राइटिंग स्किल को क्या करना है, डेवलप करना है. The pupil teacher will ask the student to copy the written work from blackboard and she'll supervise the student. अब blackboard में आपने पीछे देखा था, हमने blackboard में इतने सारे words लिखे, तो यही हमारा blackboard entry हो गया, blackboard work हो गया. तो हम बच्चों से क्या बोलेंगे कि student write all the written work from blackboard. और उस time पे क्या करना है, teacher has to supervise the students because some of the students do not write the work in their notebook. So for the supervision she has to move around the class and she has to supervise all the student. So student will copy the written work from the blackboard. Ab blackboard mein jitna bhi humne likha hua hai to bacche kya karenge, copy karenge. Fir aata hai recapitulation questions. Recapitulation questions ho gaye aapke, aapne jo bhi padhaya usko बच्चों ने क्या सीखा. ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, उनकी एक्वायर्ड नॉलेज को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, रिकॉल. बच्चे उसे क्या करेंगे, अपने एक्वायर्ड नॉलेज को रिकॉल कर सकेंगे. मतलब क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके चैप्टर के रिलेटेड ही होंगे. ठीक है, तो दो क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे, उनके आंसर्स उन्हें बच्चों को देना है. लाइकवाइज हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको आंसर भी उसी हिसाब से देना है. ओके, फिर उसके बाद आता है लास्ट में उनका होमवर्क. ठीक है, होमवर्क वो लोग क्या करेंगे,
लास्ट में आता है, जब हम रिकैपिटुलेशन क्वेश्चंस पूछ लेते हैं उसके बाद आता है होमवर्क. तो स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज़ द एक्वायर्ड नॉलेज. ठीक है, अब होमवर्क जो दिया गया है वो भी क्यों क्यों देते हैं कि बच्चे क्या करें, अपनी एक्वायर्ड नॉलेज को यूज़ कर सकें. तो टीचर क्या करेगी, उन्हें इंस्ट्रक्ट करेगी, उन्हें होमवर्क देगी कि लर्न वर्ड मीनिंग ऑफ द चैप्टर द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. और स्टूडेंट का काम क्या है, उन चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग को लर्न करना. और नेक्स्ट डे वो क्या है, उनसे पूछेगी, जो टीचर है वो उनसे पूछेगी. तो यही आज का हमारा टॉपिक था, और ये टॉपिक था प्रोज का. अब ऐसे ही क्या होता है इंग्लिश के बाकी भी चैप्टर्स, बाकी हमारे ग्रामर हो गया या फिर हमें बनाना है पोइट्री में, तो उन सब में भी ऐसे ही आप बना सकते हैं. लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं. अब वो चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है. अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं. जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा. थैंक यू.